हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे आई डिस्कस द न्यू टॉपिक ट्रांजिस्टर सर्किटिंग कॉम्बिनेशंस एंड आल्सो डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांजिस्टर सर्किट्स का कॉम्बिनेशंस, उनका टाइप्स और इसके साथ साथ पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर का वर्किंग प्रिंसिपल। क्लियर? तो आज का ये टॉपिक रहेगा हमारा, और ये अच्छा टॉपिक है हमारा। कल हमने कराया था आपको बेसिक सर्किट सिंबल और पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसके साथ साथ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का हमने कराया था डेफिनेशन। क्लियर? सिंपली हमने बताया था आपको कि थ्री एलिमेंट्स से जो हम सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाते हैं उसको हम बोलते हैं बाइपोलर जंक्शन। क्लियर? और ये हमने कल बताया था, ये दो टाइप का हमने लिया था, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर, राइट है। तो आज हम करेंगे इनकी वर्किंग, पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग। क्लियर? तो सबसे पहले टॉपिक हमारा है ट्रांजिस्टर सर्किट्स क्या होते हैं। तो ट्रांजिस्टर सर्किट्स जब हम फॉर्मेट करते हैं, इनका हम सर्किटिंग बनाते हैं, तो इनको हम तीन टाइप से बनाते हैं। फर्स्ट है हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड है हमारा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? इसको बोलते हैं आप उभयनिष्ठ आधार और उभयनिष्ठ उत्सर्जक, उभयनिष्ठ संग्राहक। क्लियर? तो तीन प्रकार से हमारी सर्किटिंग होती हैं ट्रांजिस्टर्स में। हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग हम सर्किटिंग करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में। क्लियर? या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, राइट। अब यहाँ पे जो कॉमन वर्ड है उसका जो मीनिंग है, मीनिंग ऑफ द कॉमन वर्ड, जैसे कॉमन मीन्स होता है ग्राउंड, ग्राउंडेड, ग्राउंड या ग्राउंडेड मीन्स जिसे बोलते हैं पर। क्लियर? तो कई बार ये भी सो होता है कि ग्राउंडेड बेस कॉन्फ़िगरेशन या ग्राउंडेड एमिटर कॉन्फ़िगरेशन और ग्राउंडेड कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? तो इसमें कंफ्यूज मत होना, कॉमन जो वर्ड है उसका मीनिंग है ग्राउंडेड। क्लियर है? तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं, ग्राउंड में होता है अर्थ। क्लियर? तो ये तीन टाइप से इसको बनाते हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर। जब कॉमन बेस लेंगे हम, तो बेस को हम क्या लेंगे, ग्राउंड लेंगे या कॉमन लेंगे, और कॉमन एमिटर में हम एमिटर को ग्राउंड लेंगे, और कॉमन कलेक्टर में हम कलेक्टर को क्या करेंगे, ग्राउंड लेंगे। क्लियर? तो ये तीन कैटेगरी से हम इसको फॉर्मेट करते हैं, और इनका पूरा एक्सप्लेनेशन आएगा हमारा अगले वाले टॉपिक। क्लियर? अब बात करेंगे हम आज का जो मेन टॉपिक है हमारा, जहां से हमने कल अपना टॉपिक छोड़ा था, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। क्लियर? तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांजिस्टर को हम समझेंगे इस सर्किटिंग डायग्राम वन की हेल्प से। ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए, और इसमें हमने कंडीशंस को, टर्म्स को शो किया है, इसको बताएंगे। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट करंट गेन, जो जो उसकी एप्लीकेशन है, एडवांटेज है। तो आइए वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए हमने ये सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें हमारे पास ये है पी ब्लॉक सेमीकंडक्टर, और ये भी हमारे पास है पी ब्लॉक सेमीकंडक्टर, ये लार्ज कंडीशंस में है, और एन ब्लॉक हमारे पास क्या है, ये थिन है, स्लाइस क्या है, ये थिन या स्लाइस मीन्स पतला। क्लियर है? तो हमने कल बताया था कि जब हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर को बनाया था, तो हमने किन्हीं टू लार्ज ब्लॉक लिए थे हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर के, उनके बीच में हमने क्या किया था, एक थिन या स्लाइस एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या किया था, कंसिस्ट किया था। तो इससे मिला के हमने बनाया था पीएनपी ट्रांजिस्टर।
क्लियर। अब आपको हमने बताया है कि हमारे पास टू टाइप के चार्ज कैरियर्स होते हैं, पी टाइप में होते हैं हमारे पास मेजरली पॉजिटिव हॉल्स, पॉजिटिवली हॉल्स, इनको हमने शो किया है इस प्रकार सर्किल बना के हॉल में, और एन टाइप में होते हैं हमारे पास मेजरली फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। इनको शो किया हमने इस प्रकार कंप्लीट एक डॉक्यूमेंट। तो एन टाइप में होते हैं हमारे पास मेजरली फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्ज कैरियर्स, इसे बोलते हैं बहुसंख्यक आवेश वाहक। कौन से होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में, और पी टाइप में कौन होते हैं? जिन्हें बोलते हैं आप धनात्मक क्वार्टर, बहुसंख्यक आवेश वाहक। अगर हमें इनका अपोजिट करना है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर देख रहे हैं, तो माइनॉरिटी हमारे पी टाइप में क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और एन टाइप में पॉजिटिव हॉल्स, क्लियर। अल्पसंख्यक क्या होंगे? हमारे एन टाइप में धनात्मक क्वार्टर होंगे, और पी टाइप में धनात्मक मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग हमने पी टाइप में हमारे पास क्या है? पॉजिटिव हॉल्स, और एन टाइप में हमारे पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है। और इनको हमने कनेक्ट किया है एमिटर बेस और एक कलेक्टर हमारा, कभी मैंने बताया था ये हमारा एमिटर है उत्सर्जक, बेस यह हमारा आधार और ये कलेक्टर संग्राहक, क्लियर। तो इनके लिए हमने बैटरी यूज की है एमिटर बेस वोल्टेज बैटरी VEB, ये हमारे पास हाई वोल्टेज बैटरी है, फॉरवर्ड बाइस हमारा बनेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि पी टाइप जुड़ा है बैटरी के पॉजिटिव से, और एन टाइप जुड़ा है बैटरी के नेगेटिव से, तो ये बाइसिंग बनेगी हमारी फॉरवर्ड बाइसिंग, क्लियर। तो कल भी बताया था हमने आपको कि लेफ्ट साइड हमारा होगा एमिटर बेस, एमिटर बेस, और ये बनेगा हमारा किसमें? फॉरवर्ड बाइसिंग में, और इसमें कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, और रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा? लो होगा, क्लियर। तो ये कैसी पॉइंट हमने कल बताया था आपको, क्लियर है। इसके साथ साथ हमने स्मॉल वोल्ट बैटरी ली है BCB मीन्स कलेक्टर बेस वोल्टेज हमने लिया है राइट साइड पे, और ये हमारा बनेगा पी टाइप बैटरी के नेगेटिव से, और एन टाइप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो ये बन जाएगा रिवर्स बाइस, क्लियर। तो रिवर्स बाइस में आपको पता है कंडक्टिविटी लो होती है, और रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई होता है, क्लियर। तो ये सिंपली हमने इस प्रकार की सर्किटिंग की, क्लियर। अब बात करेंगे हम वर्किंग प्रिंसिपल में, हम किस प्रकार इसको करेंगे। तो जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं सर्किटिंग को बैटरी VEB से एमीटर बेस वोल्टेज से, तो क्या होगा? जो हमारे ये डॉटेड फॉर्म में है ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, और ये जो हमारे पास होल फॉर्म में है, ये सर्किट फॉर्म में, ये हमारे पॉजिटिव होल्स है, क्लियर। तो इसमें हमारे पास कंडीशंस हैं कि पी टाइप में मेजोरिटी पॉजिटिव होल्स हैं, जो क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं किसकी ओर? एन टाइप सेमीकंडक्टर की ओर। और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है? थिन है या स्लाइस है? क्या है ये? ये बहुत पतला है, तो इसलिए क्या हो जाएंगे? अप्रोक्स 98% देखो कितनी लार्ज क्वांटिटी है, ये लगभग 2% ही बचेंगे हमारे, तो 98% पॉजिटिव होल्स क्या कर जाएंगे? मूव कर जाएंगे इसमें कलेक्टर में, क्लियर। तो ये हमारे पास जो कंडीशन शो हो रखी है ये किसकी है? ये 98% क्वांटिटी है पॉजिटिव होल्स की, क्लियर, जो कि किसको पार करके आएंगे? इस थिन या स्लाइस एन टाइप सेमीकंडक्टर को पार करके आएंगे, क्लियर। तो इसके द्वारा जो फ्लो होने वाला करंट है वो सर्किट में है IC कलेक्टर करंट, कितना है वो? IC कलेक्टर करंट, डेफिनेशन भी इसकी आएगी, और ये आपका कंडीशन भी बनेगा, क्लियर। तो पहली सिचुएशन जब बनेगी आफ्टर फॉर्मिंग द सर्किटिंग, तो पी टाइप से 98% पॉजिटिव होल्स क्या कर जाएंगे? इस एन टाइप को पार कर जाएंगे,
क्योंकि ये पतला है और कहाँ पहुंच जाएंगे, कलेक्टर में पहुंच जाएंगे। क्लियर। अब रिमेनिंग 2%, 2% अब जो पॉजिटिव होल्स हैं वो क्या करेंगे, इस एन टाइप में परजैन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करेंगे, रिकम्बाइन करेंगे। और जैसे ही वो रिकम्बाइन करेंगे तो यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी न्यूट्रलाइजेशन। ये क्या बना लेगा, पोटासियम की कंडीशन बना लेगा। क्लियर। तो 2% धनात्मक टोटल या पॉजिटिव होल्स इन फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करेंगे और बाकी क्या कर जाएंगे, वो मूव कर जाएंगे कलेक्टर में। क्लियर। तो जैसे ये न्यूट्रल कंडीशन बनेगी तो उस समय बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से बैटरी कौन सी है, हाई वोल्टेज बैटरी एमिटर बेस वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एक फ्रेश इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, लीव करेगा, निकलेगा और कहां एंटर करेगा, बेस में। क्लियर, समझ गए ना बात। तो जैसे ही ये 2% हमारे पास यहाँ के इलेक्ट्रॉन भी हैं और पॉजिटिव होल्स भी हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्वांटिटी के होते हैं, क्वालिटी के होते हैं, और होल्स पॉजिटिव क्वालिटी के होते हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या बन जाएंगे, ये बना लेंगे न्यूट्रलाइजेशन। तो जैसे यहाँ पे उदासीन बनेगा तो उस समय हाई वोल्टेज बैटरी भी ईबी की नेगेटिव टर्मिनल से क्या निकलेगा, एक फ्रेश इलेक्ट्रॉन निकलेगा और बेस में एंटर कर जाएगा। क्लियर। उसी समय एट द इंस्टेंट टाइम टी क्या होगा, एमिटर से एमिट मींस एमिट करना, एमिट से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कहां जाएगा, वो इस हाई वोल्टेज एमिटर बेस वोल्ट बैटरी के पॉजिटिव पोल में जाएगा। समझ गए ना, यहां से वो निकलेगा और कहां एंटर करेगा, पॉजिटिव पोल में। क्यों, क्योंकि यहां से हमें क्या कराना है, एक पॉजिटिव होल्स क्रिएट कराना है। रीजन, क्योंकि एक फ्रेश इलेक्ट्रॉन तो निकल चुका है वीईबी के नेगेटिव टर्मिनल से, जो कहां पहुंच चुका है, बेस में एंटर कर चुका है। अब हमें रिएक्शन के लिए एक क्या चाहिए, पॉजिटिव होल्स चाहिए। क्लियर। यहां ये समझ लो कि जहां से भी हमारा एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलता है तो वहां उसकी वैकेंसी पूरा करने के लिए कौन आ जाता है, होल्स आ जाता है। होल्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा एमिट होगा और ये एमिट होकर कहां जाएगा, पॉजिटिव पोल में जाएगा। तो ये पॉजिटिव पोल से उस होल्स को क्या करेगा, ये क्रिएट करेगा और एंटर कर जाएगा किसमें, ये बेस में। क्लियर। तो ये रिएक्शन दोबारा फिर इसी प्रकार से क्रिएट होगा। क्लियर है। तो इस प्रकार दो टाइप की करंट हमें मिलेगी, स्मॉल करंट मिलेगी हमें आईबी, ये हमारी बेस करंट है, और ये हमारी आईई क्या है, ये सम है इन दोनों करंट का, आईसी का और आईबी का। क्लियर। तो ये कंडीशन हुई हमारी वीईबी के लिए। अब बात करेंगे हम स्मॉल वोल्ट बैटरी वीसीबी के लिए। इसमें क्या था हमारे पास, ये स्मॉल बैटरी हमारे पास है और ये लार्ज नंबर है हमारे पास पॉजिटिव होल्स के, और ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये क्या बना लेगा, इसके साथ न्यूट्रलाइज बना लेगा, उदासीन बना लेगा, और करंट फ्लो होगी आईसी। ठीक है। तो ये लार्ज करंट बनेगी इस सर्किट में आईसी। क्लियर। इनकी जो डायरेक्शन है आईसी और आईबी की सेम डायरेक्शन है, जो कि एंटर कहां करेगी, इस एमिटर में करेगी, और इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, आईई इक्वल आईबी प्लस आईसी। क्लियर। बेस करंट और कलेक्टर करंट का सम किसके इक्वल है, एमिटर करंट के इक्वल है। क्लियर। तो वर्किंग के अकॉर्डिंग जो बेस करंट है वो स्मॉल है, आईबी से करते हैं उसको रिप्रेजेंट, और जो कलेक्टर करंट है वो क्या है, लार्ज है, आईसी से करते हैं उसको रिप्रेजेंट, और जो दोनों का सम है वो क्या है, एमिट करंट है आईई। क्लियर। तो उसके लिए इक्वेशन रहेगी आईई इक्वल आईबी प्लस आईसी। क्लियर। ये हमारी इक्वेशन नंबर ए। तो ये जो हमारे पास एमिटर करंट इक्वेशन है, ये बेस करंट और कलेक्टर करंट दोनों का सम के इक्वल है। क्लियर है। तो ये इसका वर्किंग कंडीशन में आएगा, राइट है। और अब बात करेंगे हम इसका एक पॉइंट है, डायरेक्ट करंट गेन। ये न्यूमेरिकल्स के लिए इम्पोर्टेंट है, अलग से शॉर्ट डेफिनेशन के लिए भी पूछा जाता है। तो डायरेक्ट करंट गेन क्या होगा, डायरेक्ट करंट गेन को हम शो करते हैं सिंबल अल्फा से, अल्फा से करते हैं इसको रिप्रेजेंट, और ये रेशो होता है
सर्किट्स का, कलेक्टर करंट आईसी का और एमिटर करंट आईई का, क्लियर। और ये द रेशो कलेक्टर करंट कोरस्पॉन्डिंग टू द एमिटर करंट, और उस समय क्या होता है कॉन्स्टेंट होती है बेस करंट, क्लियर है। तो सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा अल्फा डीसी इक्वल आईसी अपॉन आईई, क्लियर। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए करंट गेन अल्फा होगी, एनपीएन के लिए ट्रांजिस्टर गेन बीटा होगा। फिर इन दोनों में रिलेशन निकालेंगे, ये न्यूमेरिकल के लिए भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और सिंपली वैसे एग्जाम में ये आपसे क्वेश्चन आस्क कर सकता है एग्जाम में, क्लियर। तो इससे एक शॉर्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि करंट गेन क्या होता है, तो डिफाइन करना है आपको। ये रेशो होता है किसका, आईसी का और आईई का, क्लियर है। तो और बेस क्या रहता है, जो करंट कॉन्स्टेंट रहता है। तो ये हमारा कंडीशन थी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर, क्लियर। इसको एक बार हम रिवाइज कराते हैं और जो भी इसके बेसिक पॉइंट है आप उनको नोट कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर सर्किटिंग में ईजी से तीन प्रकार के कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर। कॉमन जो वर्ड है उसका मीनिंग है ग्राउंडेड या अर्थ, क्लियर। और वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए हमने ये सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें हमारे पास टू लार्ज ब्लॉक है पी टाइप सेमीकंडक्टर के, जिनमें हमने पॉजिटिव होल्स होते हैं मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स पी टाइप में, और थिन हमारे पास है ब्लॉक एन टाइप सेमीकंडक्टर का, राइट। और इसमें क्या है फी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, तो और इनके लिए हमने एमिटर बेस और कलेक्टर लिए हमारे पास थ्री टर्मिनल्स हैं। और इनके लिए एमिटर बेस लेफ्ट साइड पे हमने हाई वोल्टेज बैटरी ली है फॉरवर्ड के लिए, तो ये पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, और हमने ये स्मॉल वोल्ट बैटरी ली है कलेक्टर टू बेस वोल्ट बैटरी, और इस प्रकार से हमने इसको सर्किटिंग में शो किया। अब जिसकी वर्किंग में होगा, तो जैसे ही आप सर्किटिंग पूरी करोगे बीईबी एमिटर टू बेस वोल्ट जैसे इसको देंगे प्रोवाइड कराएंगे, तो क्या होगा हाईली 98% पॉजिटिव होल्स पी टाइप से इस थिन या स्लाइस या पतले एन टाइप सेमीकंडक्टर को क्रॉस कर जाएंगे और कलेक्ट कर लेंगे, कहां पे पहुंच जाएंगे कलेक्टर सी पे पहुंच जाएंगे, क्लियर। तो मैक्सिमम कंडीशन तो हमारी यही से बन जाती है और इसके थ्रू आईसी करंट फ्लो हो जाती है लार्ज, क्लियर। अब रिमेनिंग 2% जो हमारे पास पॉजिटिव होल्स कहां रहेंगे एन टाइप में रह जाएंगे, और एन टाइप में ऑलरेडी क्या है फी इलेक्ट्रॉन्स है, क्लियर। तो ये इनके साथ क्या करेगा रिएक्शन करेगा, और इनकी क्वालिटी पॉजिटिव है होल्स की और इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव है, तो ये क्या बना लेंगे न्यूट्रलाइजेशन बना लेंगे उदासीनता बना लेंगे। तो उसी कंडीशन को हम इससे लेंगे अपनी बैटरी हाई वोल्टेज बैटरी से, तो जैसे ही उदासीन बनेगा तो क्या होगा उस समय, ये बात आपको नोट कर लेना, उस समय बीईबी वोल्ट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एक फ्रेश इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्लियर। और वो कहां एंटर करेगा इस बेस में एंटर करेगा, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन निकला है तो हमें रिएक्शन के लिए पॉजिटिव वोल्ट भी चाहिए, क्लियर। तो और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा किसी भी इलेक्ट्रॉन के जब हम एक्साइटेशन कराते हैं तो उस समय उसकी वैकेंसी को पूरा कौन करता है ऑलवेज पॉजिटिव वोल्ट करता है, तो एट इंस्टेंट टाइम उसी समय एमिटर के एमिटर से क्या होगा एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एमिट होगा और वो बैटरी के पॉजिटिव पोल में एंटर करेगा और यहाँ से एक पॉजिटिव होल्स क्रिएट कर देगा, क्लियर। जो क्या करेगा वो बेस में एंटर कर जाएगा और ये रिएक्शन चलती रहेगा, क्लियर। तो इस प्रकार सर्किट में एक स्मॉल करंट आईबी फ्लो हो जाती है, क्लियर। तो आईबी बेस करंट स्मॉल और लार्ज करंट आईसी इन दोनों का सम क्या हो जाएगा ये एमिटर करंट हो जाएगा, क्लियर। जो हमने शो किया है इस इक्वेशन से एमिटर इक्वेशन भी इसको बोलते हैं आई इक्वल आईबी प्लस आईसी, क्लियर। अब रिवर्स बायस के लिए सुन लो आप, स्मॉल वोल्ट बैटरी है बीसीबी, इसमें क्या होगा पॉजिटिव होल्स 98% पहुंचे हुए हैं, क्लियर। ये क्या करेंगे इस नेगेटिव टर्मिनल के साथ क्या बना लेंगे रिप्लाई बना लेंगे और हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, क्लियर। तो उस प्रकार इसकी वर्किंग प्रिंसिपल में आ जाएगा पीएनपी ट्रांजिस्टर, क्लियर है। अब उसके बाद डायरेक्ट करंट गेन है
इसमें सोर्स डेफिनेशन है, ये कलेक्टर करंट और एमिटर करंट का रेशियो है, और बेस करंट क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। क्लियर? तो ये कंप्लीट हमारी वर्किंग प्रिंसिपल है पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए, और कल हम कराएंगे आपको वर्किंग एनपी ट्रांजिस्टर के लिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।